वेरी गुड मॉर्निंग जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मजे में होंगे, वीकेंड एंजॉय करने के लिए तैयार होंगे क्योंकि कल छुट्टी है। मतलब छुट्टी वाला जो मामला होता है मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। हर वीक आके मैं यही कहती हूँ कि मुझे छुट्टी जब एक चाहिए पूरे वीक बाद मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होती है, मैं नींद पूरी कर सकती हूँ अपनी। अच्छा जनाब, और आज सैटरडे तो है लेकिन उसके साथ साथ चूँकि हमारा फॉर्मेट रहेगा, आज हम कुछ इंटरटेनमेंट की खबरें भी शामिल करेंगे। लाहौर शहर में क्या हो रहा है, ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं उसके हवाले से भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग बातें हम आपके साथ शेयर करते होते हैं वो आपको बताएंगे। जनाब, दुनिया भर में रिसाइकलिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इसको इनकरेज भी किया जाता है ताकि जो वेस्ट है उसकी क्वांटिटी को डिक्रीज किया जाए। तो रिसाइकलिंग के हवाले से एक कुछ इंटरेस्टिंग से एक हमें फ़नकार नज़र आए और सोशल मीडिया के ऊपर जिनके साथ हमने सोचा आपको साथ शेयर किया जाए। नहायत ही खूबसूरत फ़न पारे जो है उन्होंने बनाया, वो किस तरह से बनाए जनाब, ये जो आर्टिस्ट हैं ये कंप्यूटर, सर्किट बोर्ड और बिजली के मुख्तलिफ जो वेस्ट या नाकारा किस्म के पीसीज होते हैं, पुर्जे होते हैं, उनको यूटिलाइज करते हुए बहुत ही खूबसूरत रंग की बटरफ्लाइज बनाती हैं। और ये बटरफ्लाइज बनाकर उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ये आगाज़ किया तो हमेशा से उन्हें ये सारी चीज़ें जो खुद ब खुद ये जो पुर्जे होते हैं वो लगता था कि कीड़े मकौड़े हैं और उनको वो बनाना शुरू कर देती थी। उनका एक हर कहते हैं ना हर आर्टिस्ट के पीछे कोई ना कोई एक कहानी होती है, तो उनकी कहानी कुछ यूँ थी कि उन्होंने कहा कि जनाब उनकी मुलाकात अपने इस्तेमाल सफ़र के दौरान कुछ आर्टिस्ट से हुई, लेकिन जो उन्होंने पुराने कंप्यूटर के साथ मुख्तलिफ रोबोट्स बनाने में मसरूफ़ थे उन्होंने अपने फ़न पारे पेश किए तो उन्होंने इतना ज़्यादा उनको पसंद नहीं किया बल्कि उनके इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इससे डिसार्ट नहीं हुई बल्कि मैंने सोचा कि मैं अपनी ही जो आप जो पीसेज हैं आर्ट पीसेज उनको क्यों ना बनाया जाए। और इसी तरह से उन्होंने मुख्तलिफ वेस्ट जो कंप्यूटर के होते हैं, जैसे आप ये वाली बटरफ्लाई अपनी स्क्रीन पर देखें, ये एक चिप होती है मेरे ख्याल से हार्ड ड्राइव की, और ये वो उस चिप के साथ उन्होंने बटरफ्लाईज और मुख्तलिफ कलरफुल जो है कीड़े मकौड़े उन्होंने बनाए हैं। तो डेफिनेटली क्रिएटिविटी तो है और क्रिएटिविटी की नो डाउट कहीं भी कमी नहीं है कि किस तरह आप एक टेक्नोलॉजी पार्ट्स के साथ आप एक मुख्तलिफ जो है आर्ट पीसेस बना सकते हैं और इवन रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस है उसके ज़रिए ये सब करना, डेफिनेटली रिसाइकलिंग को इनकरेज तो किया जाता ही है। तो ये थी एक फ़नकार जिनसे हम आपकी मुलाकात कराई, लेकिन हम आपकी मुलाकात जो है यहाँ बैठे बैठे करा रहे एक ऐसे सयाह जोड़े से जिन्होंने अपने घर को इतना कलरफुल कर लिया। अच्छा जनाब, ये क्या है, कैलिफोर्निया में एक घर है जो बहुत ज़्यादा कलरफुल और डिफरेंट कल्चर्स के हिसाब से उन्होंने बनाया हुआ है, किस तरह से पेंच किया हुआ है उसको। ये जनाब घर में दो बेडरूम्स हैं और लिविंग रूम्स है ये घर जो है बेसिकली। एक घर जोड़ा जा था जो स्याह था, जो टूरिज्म के बहुत शौकीन अफराद थे, मियाँ बीवी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक आम सा घर खरीदा, उन्होंने दुनिया भर में जहाँ जहाँ जो भी उनका एक्सपोजर था, जितने कल्चर्स को उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, उन्होंने अपने घर के अंदर उसको मुख्तलिफ पेंट की शक्ल या उसको दीवारों पर और हर तरह के आर्टिस्ट की शक्ल में उसको पोर्ट्रे किया। और यहाँ पर आसपास इसके स्विमिंग पूल के साथ खूबसूरत जो पत्थरों का फर्श भी मौजूद है, जबकि आसपास पहाड़ों और जंगल का मंजर भी है और उसको प्रॉपरली दिखाया भी गया है। और इस खूबसूरत घर की कीमत है जो बनती है कोई पाकिस्तानी पैसों के हिसाब से कोई 5-6 करोड़ की। तो ये घर जो है जनाब दो बेडरूम्स और लिविंग रूम के साथ है, और आप अक्सर अपने घरों में हम तो बच्चों के रूम्स में ज़्यादा कलरफुल से पेंट कराते हैं, अदरवाइज़ हम कोशिश करते हैं कि हमारे कमरे बड़े सोबर सोबर से हों, ऑफ वाइट पेंट हो या लाइनर्स हो, लेकिन बच्चों के अलावा ये खुद बहुत शौकीन थे तो इतना कलरफुल घर देखे। डेफिनेटली कलर्स थेरेपी भी होती है, वैसे मैं आपको बताऊँ बहुत सारे कलर्स होते हैं जो आपके मूड से रिलेट करते हैं, तो मेरे ख्याल से इन्होंने इस एक खुशगवार सा मूड रखने के लिए अपने घर को बहुत कलरफुल सा बनाया। तो ये थी सोशल मीडिया के ज़रिए आप तक हमने रिसर्च पहुंचाई, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर ही लोग अपनी जो क्रिएटिविटी है वो दिखाते हैं और फिर हम आपके साथ शेयर करते हैं। बच्चे वैसे सबके एक जैसे होते हैं, और जनाब बच्चे अब चूँकि हम बात करते हैं कि आजकल हमारे बच्चे बहुत टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो गए हैं, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लाइफस्टाइल बच्चों के लाइफस्टाइल में इंडक्ट हो चुकी हैं। अब अर्ली एज मेच्योरिटी, बेसिकली बच्चे बहुत छोटी उम्र में बहुत मेच्योर नज़र आना शुरू हो गए, उनकी बातें, उनके जेस्चर्स, उनकी जो कह लें एक सेटअप है सारा, चाहे वो सोशल है, फ्रेंड्स का है, वो बहुत मेच्योर सा हो चुका है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि बच्चे की मासूमियत ख़त्म हो रही है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो आज हम इन्हीं फैक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली अर्ली एज मेच्योरिटी होती क्या है और इसकी वजूहात क्या है। उसके लिए हमारे साथ एजुकेशनिस्ट होंगी नादिया जाफरी, जो कि कासिम अली शाह फाउंडेशन के साथ भी एसोसिएट है। वेलकम टू द शो नादिया, कैसी हैं आप?
थैंक यू सो मच. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग नादिया. सबसे पहले तो हम अर्ली एज मैच्योरिटी की बात करें. बेसिकली है क्या ये? अच्छा, हमारा जो एक्चुअली दौर है, हमें इसकी एक्चुअली इस डिमांड्स को समझना होगा. आज का बच्चा इतना फ्लक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि हम बेसिकली जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उस सब का असर हमारे ऊपर होता है, ब्रेन के ऊपर. और जो बच्चे का जहन है वो इतना डेफिनेटली मेच्योर नहीं है, तो वो जो चीज़ें देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, इवन खा रहा है, सो व्हाट काइंड ऑफ फूड हम उनको किस तरह की दे रहे हैं, वो भी उनकी पर्सनैलिटी पर असर कर रही है. जो वो देख रहे हैं, जो वो सुन रहे हैं, वो सारा का सारा इम्पैक्ट उनकी पर्सनालिटी पे आ रहा है. बिल्कुल. और लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक आप देखें कि बच्चे का रिटेंशन स्पैन, क्योंकि मैं एजुकेशन की फील्ड से हूँ तो हम टीचर्स को इस पे बहुत गाइड करते हैं, कि वो रिटेंशन स्पैन सिर्फ 6 सेकेंड्स है. अच्छा. एंड आफ्टर 6 सेकेंड द स्टूडेंट इज नॉट विद द टीचर इन द क्लास रूम. सो हमें कितना खुद को भी एम्पावर करना है स्ट्रेटजीज के साथ कि वो इस तरफ जो है वो स्टूडेंट स्पेशली जो है वो आपके साथ हो. ठीक. सो वन ऑफ द रीजन इज फ्लक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. द सेकेंड रीजन इज इवन द फूड दे आर टेकिंग. यस. ऑर्गेनिक फूड से हमारा जो जंक फूड की तरफ और ऑल दैट फास्ट फूड एंड ऑल काइंड ऑफ, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जो कि बहुत बड़ी एक वजह है. और इसके अलावा जो है वो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, दिस इज ऑल्सो वन. पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट वो उस तरह से नहीं है. हाँ, नो डाउट. अब जिस तरह से बच्चों की एसोसिएशन पेरेंट्स के साथ होनी चाहिए, कहीं ना कहीं हम वो मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं. एग्जैक्टली. इफ यू आर बिजी एज पेरेंट, बिकॉज आज वो दौर आ गया है कि मेल एंड फीमेल दोनों दे हैव टू यू नो घर से निकलना है, उन्होंने काम करना है. तो इसका ये मतलब नहीं है कि वट एवर योर चिल्ड्रन, जो आपकी अवलीन तरजीह हैं, आप उसको साइड पे कर दें और जस्ट वर्क 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 एंड अर्निंग मनी फॉर देम. सो बाप कोई एटीएम मशीन या वो नहीं है, और माँ कोई सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो अपने ही करियर को देख ले. सो देर शुड बी सम बैलेंस. मैं पेरेंट्स के साथ सेशंस होते हैं तो उसमें बात करती हूँ कि देर इज अ टर्म लाइक लीडरशिप मोमेंट्स वो ढूंढने बच्चों के लिए. तो उनको उसमें अपने साथ को, वो बॉन्डिंग नहीं है. जब वो बॉन्डिंग नहीं है तो उसकी वजह से भी जो है वो क्योंकि वो टुवर्ड्स अदर थिंग्स चले गए, तो उनका मेच्योरिटी लेवल डिफरेंट हो गया. तो वो परवीन शाकिर ने भी कहा था कभी, जुगनू को दिन के वक्त परखने की जान लें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए. तो बच्चे हमारे अहद के चालाक हो चुके हैं, और लेकिन हमें खुद को उनके साथ लेके कैसे चलना. अच्छा नादिया, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ. हम एक सोशल मीडिया की बात करते हैं बार बार, हम गैजेट्स की बात करते हैं, हमें लगता है कि बच्चे वो सारी चीज़ें, मैं अगर देखूँ तो मेरी अगली जनरेशन यानी कि मेरे नीस और नेफ्यूज वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो शायद मैंने नहीं की है. ट्रू. बिल्कुल. उसकी वजह से उनकी जो मेच्योरिटी लेवल है चीजों को पैक करना, उसको समझना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है. और हम अक्सर कहते हैं कि वो मासूमियत वाला जो एलिमेंट है वो खत्म हो गया है. अच्छा, इश्फाक अहमद साहब एक बात कहते हैं कि अपने अंदर का बच्चा नहीं मारे. सो जो मासूमियत है ये खत्म नहीं हुई, ये मरी नहीं है, ये हमारे अंदर भी मौजूद है. द ओनली थिंग इज दैट कि करेंटली वो जिस एनवायरमेंट में है वहां पे उनको मासूमियत एक्सप्रेस करने के मौके हमने देने छोड़ दिए. सो ये वजह हुई. अदरवाइज आप मेच्योरिटी देखें तो इवन कंट्री टू कंट्री वेरी कर रहे हैं. हम मेच्योरिटी लेते हैं जी हमारे सब कॉन्टिनेंट में 18 ईयर्स पे हम कहते हैं. इंडोनेशिया में 19 है, यूके में 16 है. सो आर दे रियली मेच्योर विद ऑल दीज थिंग्स? दे आर नॉट एक्चुअली. जैसे एक बटरफ्लाई है, उसका एक पूरा मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है, कोकून में वो जाना, वो निकल के आना और उड़ने के लिए. अगर उसको उस तरह से कोकून से बहुत पहले दिन निकल के वो कोशिश करेगी तो वो उड़ेगी भी तो वो सही उड़ नहीं पाएगी. सो दिस इज नॉट द रियल मेच्योरिटी. रियल मेच्योरिटी इज कि डिसीजन मेकिंग सेंस आए. वो तो टाइम के साथ साथ मेरे एक्सपीरियंसेस से आती है. हाँ, वो एक्सपीरियंसेस के साथ आती है. ये वो मेच्योरिटी है जो शायद कहीं उनके लाइफस्टाइल और जो चीजें शामिल होगी उसकी वजह से टेंपरेरी आ गई जो एक्चुअली काइंड ऑफ सो कॉल्ड व्हाट कैन वी से, जैसे वो डेरिन हार्डी कहते हैं माइक्रोवेव मेंटेलिटी, कि हम हर चीज बहुत जल्दी से चाह रहे हैं. वी वॉन्ट टू टेक आउट समथिंग फ्रॉम द फ्रिज और फ्रीजर और माइक्रोवेव में रखा और जल्दी से हो जाए. बिल्कुल. हमें फ्लू हुआ, हल्का सा हम एंटीबायोटिक लेते हैं और जल्दी से हम ठीक हो जाएं. हम सो दिस काइंड ऑफ अ थिंग जिसके अंदर बच्चे इतनी जल्दी से मेच्योर एक्चुअली तो नहीं है. सो देयर एज अप्रोप्रिएट टॉयज, देयर एज अप्रोप्रिएट यू नो थिंग्स दे शुड बी अकॉम्पनीड विद. ये बड़ी जरूरी बात है कि उनके एज की आपने बात की, फ्रेंड्स फैमिली घर का माहौल ये कितना इम्पैक्ट डालता है बच्चों पर.
बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा. हम आज का अलमिया ये है कि बहुत से वालदैन ने बहुत सी जिम्मेदारियां स्कूल के हवाले कर दी कि हमने स्कूल भेज दिया, हमने कारी साहब के पास भेज दिया, हमने एकेडमी ट्यूशन्स भेज दिया. लेकिन जो उनका रोल है, उनके जो फ्रेंड्स का रोल है और पेरेंट्स का बेसिकली फ्रेंड्स के साथ जो इंटरेक्शन है, बच्चों के फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स का भी उनके साथ फ्रेंडशिप होना बहुत जरूरी है. दे शुड नो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, पेरेंट्स बिजी हैं भी. तो लाइक आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ वन ऑफ माय चाइल्ड कि आई वाज वेरी बिजी. मेरे पूरे पाकिस्तान में ट्रेनिंग्स होती थी, तो मैं जब साथ में ट्रेवल कर रहे होते थे बच्चे, तो मेरे बैग में वो साइट रीडिंग के कार्ड्स होते थे. लाइक वो नर्सरी में था, केजी में, तो मैं वो कार्ड्स के थ्रू उनको रीडिंग, वो स्पेलिंग्स और वो रीडिंग्स और वो करवा रही होती थी, कार्ड्स बैग में डालती है, देन वी वर टू अनदर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट और वट एवर. सो लीडरशिप मोमेंट्स, लर्निंग मोमेंट्स निकालने पड़ेंगे वालदैन को. ये बहुत ज़रूरी है ताकि वो बॉन्डिंग डेवलप हो. ये प्री मेच्योर किस्म की मेच्योरिटी है exactly. और ये डेंजरस है, ये इनकी एज के लिए डेंजरस है. तो इनको उसकी एज के अकॉर्डिंग यस इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें, इनको टेक्नोलॉजी सिखाएं, खुद टेक्नोलॉजी सीखें. बहुत से पेरेंट्स को खुद टेक्नोलॉजी नहीं आती है, काइंड ऑफ फोबिया, दे डोंट नो वट चिल्ड्रन आर डूइंग. सो बी फ्रेंड विद देम. फेसबुक पे उनके फ्रेंड जरूर बने उस अकाउंट में. व्हाट्सएप पे मेरी अपनी बेटी ने मतलब अकाउंट बनाया हुआ है. शी इज इन ग्रेड 5 बट शी कैन नॉट डेफिनेटली इज हैविंग अ मोबाइल. बट मदर्स का एक है जिसपे हाफ एन आवर द होल ग्रुप इज देयर. सो दिस अ व्हाट्सएप ग्रुप. सो देर आर सो मेनी वे, लाइक इफ दे आर मिसिंग होमवर्क, दे आर सेंडिंग द इमेजेस. छोटी छोटी चीजें हैं ना, विच पेरेंट्स इफ दे आर, देयर इन्वॉल्वमेंट इज देयर, देन यस दे कैन ग्रो वेरी वेल. That is a natural growth. जबरदस्त. थैंक यू सो मच नादिया. जी जनाब, आपको बता दिया कि ये जो तमाम चीजें हैं, अभी हमने इतनी कंस्ट्रक्टिव किस्म की डिस्कशन की है, डेफिनेटली बहुत सारे पेरेंट्स को इसका फायदा भी हुआ होगा. अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे.